सब्सक्राइब कीजिए प्रिंसेस परी ऑफिशियल चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बचे हुए चावल का नाश्ता। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। जब भी हमारे चावल बच जाते हैं रात के तो फिर कोई खाना इसे पसंद नहीं करता, लेकिन आप इस तरीके से बनाओगे तो सब ज़रूर खाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने ग्राइंडर में चावल डाले हैं और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। तो हमें थोड़ा गाढ़ा ही पीसना है। तो देखिए हमारा पेस्ट रेडी है, बिल्कुल इस तरीके से बनाना है। अब हम इस पेस्ट को एक बाउल में निकाल लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो हमें प्याज को बिल्कुल बारीक तरीके से काट लेना है और अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च। तो इसे भी हमने बारीक काट लिया था। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, तो हमने 2 छोटे चम्मच लिए हैं। आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप ज़्यादा लें। और अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर। तो देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा जलजीरा पाउडर और अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। और अब हम इसमें डालेंगे सूजी यानी कि रवा। तो आप अपने हिसाब से सूजी डालें, हमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। और अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और अब हम इसमें डालेंगे नींबू। तो नींबू हमने आधा कटा हुआ लिया था और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है और इन सबको अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हम इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे हम ढककर थोड़ी देर के लिए रख देंगे। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे सरसों तेल। आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हो। तो हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे तो हमारा ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है। और अब हम इसमें बिल्कुल इस तरीके से छोटे छोटे डालेंगे पकौड़े जैसे। तो इसे हमें बार बार नहीं पलटना है, जब थोड़ा हो जाए तभी पलटें। तो इसे हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से पका लेना है। तो देखिए हमारे अच्छी तरीके से पक चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए हमारे बचे हुए चावल का नाश्ता बिल्कुल रेडी है और ये देखने में कितना स्वादिष्ट लग रहा है, उससे भी ज़्यादा खाने में स्वादिष्ट लगता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आप इस तरीके की रेसिपी बनाएंगे तो आपका चावल भी वेस्ट नहीं होगा जो बचेगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।